नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिला में पुलिस ने एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 260 ग्राम हेरोइन के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक स्विफ्ट डिजायर कार में हेरोइन की खेप लेकर के गांव महमदपुर रोही से गांव झलनिया की तरफ जा रहे थे। झलनिया गांव के नज़दीक पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कार को रुकवाया और तलाशी ली। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गाड़ी सवार दोनों युवकों के कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। मौके पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोणचंद निवासी भूना और सुमित निवासी कैथल के रूप में की है। अन्य पुलिस थानों से भी उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया है। डीएसपी ने बताया कि आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांगू की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कल जो है 20/10/2020 की बात है और हमारी एंटी नारकोटिक सेल की टीम एमपी रोई से जलनिया रोड पर जो है नशा की रोकथाम के लिए उसके चेकिंग कर रही थी, तो एमपी रोई की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी आई जिसको रुकवाने की कोशिश की, तो गाड़ी कुछ दूरी पर रोक कर जो है ना वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो है ना वापस नहीं मोड़ पाया और गाड़ी के अंदर बैठे दो व्यक्तियों को काबू किया। तो एक ने अपना नाम पूर्ण था और दूसरे ने अपना नाम सुमित कर और गाड़ी की नियमानुसार तलाशी एम एल में आएगी तो 260 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया है और आज जो है उनको अदालत में पेश करके जुडिशियल रिमांड। पहचान क्या हुई है सर? क्योंकि पहचान एक का नाम पूरण चंद था और दूसरे का नाम सुमित है। कहाँ से लेके आए थे? कहाँ? हाँ, वो जो है ना अभी 33 का विषय है, जहाँ से लेके आए वो आदमी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इस स्टेज पर 33 के अंदर जो है ना ये चीज़ें थाना जो है ना वो सब हो चुकी हैं। हाँ, अभी इनका जो है रिकॉर्ड संबंधित थाने से देखेंगे और इनके ऊपर पहले कोई हो गया वो कुछ है या नहीं। कितनी कीमत है सर इसकी? उसकी कीमत जो है ना लाखों रुपये।